डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से घबरा गई भाजपा, बदनाम करने की सारी हदें कर दी पार। बिहार के भागलपुर में पुल गिरा, टेंडर भाजपा के मंत्रियों ने पास किया, फिर तेजस्वी कैसे हो गए जिम्मेदार। पहले तूफान ने गिराया, अब गंगा ने बहाया, भागलपुर में बन रहे बीजेपी के भ्रष्टाचार के पुल का जिम्मेदार कौन। बिहार के भागलपुर में पुल ध्वस्त और केंद्र सरकार मस्त, भ्रष्टाचार मॉडल का ही ये नजारा, वाह भाई वाह। बिहार के भागलपुर में पुल गिरने के बाद सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जबकि जब पुल बन रहा था तो बीजेपी के मंत्री समय समय पर ट्वीट करके खूब वाहवाही लूट रहे थे। बिहार बीजेपी के मंत्रियों ने दलाली की मलाई खाई और बार बार भ्रष्टाचार का पुल खड़ा किया, लेकिन सुल्तानगंज अगवानी का पुल न खड़ा हो सका। 2019 में बीजेपी नेता नंद किशोर यादव, 2020 में मंगल पांडे और 2022 में मंत्री नितिन नवीन ने ट्वीट कर पुल बनने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो अब ऐसे में पुल गिरने पर तेजस्वी यादव जिम्मेदार कैसे हो गए? भारतीय जनता पार्टी को हार की हताशा सता रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 सामने, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पुल गिरने का ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ना चाहती है, ताकि आगामी चुनाव पर मलाई काट सके। लेकिन बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझ गई है, अब वो बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। करीब 3 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण का 80% काम पूरा हो चुका है। इसी साल नवंबर में पुल के उद्घाटन की तैयारी थी, लेकिन उद्घाटन से 5 महीने पहले ही निर्माण पुल का बड़ा हिस्सा गंगा की लहरों में समा गया। 1717 करोड़ की लागत से बन रहा पुल रेत की तरह गंगा में बह गया। पूरा देश इस पुल के बहने के वीडियो को देखकर दंग रह गया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कागजी पुल दूसरी बार गिरा है। इससे पहले पिछले साल 30 अप्रैल को भी निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था, तब कहा गया कि तूफान की वजह से ब्रिज का हिस्सा गिरा। आगे हम आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ बताएंगे कि आखिर इस भ्रष्टाचार के पुल में किसका हाथ है, पिछले 9 सालों से बन रहा यह पुल तैयार क्यों नहीं हो पाया। पुल का शिलान्यास 2014 में और बनाने का काम 2015 में शुरू हुआ, जब नीतीश और बीजेपी की राहें अलग हो चुकी थी। पुल को 2020 तक चालू करने की योजना थी। 2015 से 2017 तक आरजेडी सरकार में थी और तब भी तेजस्वी ही पथ निर्माण मंत्री थे। 2017 से 2022 नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार चलाई और इस दौरान पथ निर्माण मंत्री बीजेपी का था। इस पुल का एक हिस्सा अप्रैल 2022 में आंधी तूफान में गिर गया, तब राज्य में जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी और विभाग के मंत्री बीजेपी नेता नितिन नवीन हुआ करते थे। तब नितिन नवीन ने कहा था कि ये पुल बैलेंसिंग ब्रिज है, जिसकी बैलेंसिंग का काम पूरा नहीं हुआ था और आंधी में पिलर पर दबाव बढ़ गया, जिससे वो झेल नहीं पाया। तब उन्होंने कहा था कि पुल कैसे गिरा इसकी जांच आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना के विशेषज्ञों की टीम करेगी। उन्होंने तब कहा था कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पुल बना रही कंपनी एसपी सिंगला पर उठे सवालों पर नितिन ने कहा था कि टेंडर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है और शर्तें पूरी करने वाली कंपनी को सरकार बस इसलिए नहीं रोक सकती कि वो बहुत काम कर रही है। असल में इस कंपनी ने मुंगेर में गंगा पर पुल बनाया है और इसी कंपनी के पास पटना में गांधी सेतु के समानांतर बन रहे पुल का भी काम है।